एक रोज की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मगर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे पानी देती है, मगर तुम्हें तो कोई भी पानी नहीं देता। सूरज और चंद्रमा की ये गुफ्तगू बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने फरमाया, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम है, चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे मगर उस रोशनी का हम क्या करेंगे, रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत नहीं है, अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज बेहद खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा रंजीदा हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं, ये लोग मेरी पूजा करते हैं। मगर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो इन लोगों की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बेहद कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था, पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत में बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है कि अभी सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी की वजह से खेत में काम करना बेहद मुश्किल हो रहा था। बेहद गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ सही कह रही हो, इस खतरनाक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता, कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बेहद घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना बेहद मुश्किल हो रहा था। इस मसले से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्यदेव, हमें चांद की जरूरत नहीं है, अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सिर्फ आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, मैं अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत काफी देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती क्योंकि
क्योंकि सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है अब शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खाया। अच्छा सुनो मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी, मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे आज तो बेहद गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहाकर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है, अब सूरज नहीं ढलेगा इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है, पर कोई बात नहीं चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। इन्हें काफी पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है। तेज हवा चलने के बावजूद इन्हें गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो कम से कम गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है, मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो चलकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही ने कहा है मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ हमने ही कहा था, अब हमें चांद की भी जरूरत है क्योंकि हम इतनी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज से सिर्फ आप दिन के समय ही रहिए, रात को चांद ही मुनासिब है। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अब से मैं रात को कभी नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को आवाज लगाने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, अब हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव आप लौट आइए, जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है उसी तरह रात को चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चांद वापस आ जाते हैं। चांद को देखकर ये दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनकी खुशामदी करते हैं, उसी तरह हम आज से आपकी भी खुशामदी करेंगे। ठीक है अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा और चांद ने चारों ओर अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया और उनकी खुशामदी की और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख: इस दुनिया में हर चीज की अपनी एक अहमियत है, हमें किसी चीज की अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए।